मैं अभी एज ए हॉबी कर रहा हूँ बोन कार्विंग। बोन कार्विंग क्या होता है, मतलब इसमें हम डिफरेंट वेस्ट मटेरियल बोन्स कलेक्ट करते हैं और उसकी डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि बोन कैंडल्स, बोन ईयरिंग्स या ऑर्नामेंट्स हम कह सकते हैं, बोन पेन होल्डर्स है और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। मैं अपने ये प्रोडक्ट्स इंस्टाग्राम पे या एटसी पे बेचता हूँ। देखिए, मैं बचपन से ही आर्ट के साथ वाबस्ता था, तो मैं अपना जो फ्री टाइम था मैं उसमें कुछ ना कुछ करता रहता था। ज़्यादातर मैं हलाल हड़िया यूज़ करता हूँ, जैसे कि हम बुफेलो की हड़िया यूज़ करते हैं, शीप की, गोट की, और बाकी कोई हड्डी नहीं। हड़िया तो मैं डिफरेंट सोर्सेज से लाता हूँ, एक तो बूचर शॉप से, और घर पे हम मीट वगैरह खाते हैं वहाँ से भी कलेक्ट करता हूँ। फिर हड्डियाँ लाने के बाद उनकी प्रोसेसिंग होती है, जिसमें कि हम पहले कटिंग या रिमूविंग ऑफ मीट, एक्सेस मीट ऊपर से करते हैं, फिर उनकी बॉइलिंग, फिर और भी स्टेप्स है दो चार इसमें, फिर उसके बाद शेपिंग देना, जो भी प्रोडक्ट बनाना होगा। तो मैंने जो थीम रखी अपने काम की, दैट इज़ वेस्ट टू वैल्यू। हम क्यों ज़ाया करें किसी भी चीज़ को, अब हम उसको अच्छे से यूटिलाइज करें और तब्दील करें इनटू समथिंग यूज़फुल। मैंने ये जो अपने प्रोडक्ट्स है ये मैंने ऑनलाइन डिस्प्ले की है, अभी तकरीबन 2 साल हुए मुझे, लेकिन पहले रेस्पॉन्स उतना नहीं रहा, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि ऐसा भी कोई बंदा है। लेकिन दिन ब दिन इंक्रीज़ होती है, जो कस्टमर लेवल है वो इंक्रीज़ हो रही है, और लोग ऑर्डर्स दे रहे हैं टू मी डिफरेंट थिंग्स। उनके लिए बाहर से भी ऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि केरला से, कर्नाटका से, और भी बहुत सारी स्टेट से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत तारीफ़ करते हैं और प्रेज भी बहुत करते हैं, वो कहते हैं कि बंदे में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ये बहुत अच्छा है एक नौजवान के लिए। तो अगर हम अपना फ्री टाइम इसमें यूटिलाइज़ करें वो बेहतर रहता है।